इट्स ओके जितना आ रहा है क्योंकि हमें मदर को ही इंकरेज करना है कि आपको हाफ ऑन्स भी आ रहा है आपको फ्यू ड्रॉप्स भी आ रहे हैं यूटिलाइज क्योंकि अगर आपने वो यूटिलाइज करना बंद कर दिया तो फिर वो भी आना बंद हो जाए तो इसके साथ क्या आप टॉप फीड सजेस्ट करेंगे देखिए मैं टॉप फीड तो सजेस्ट करूंगी लेकिन मैं पहले मदर से पूछना चाहूंगी कि वो खाती क्या है पूरे दिन अच्छा ठीक है माँ ज्यादातर हमारी जिस कम्युनिटी में हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे ज्यादातर कहती है हम तीन वक्त का खाना बहुत अच्छे से खाते हैं और मिल्क लेते हैं अब उससे पूछो मिल्क कितना लेते हैं वन कप ओ ठीक है सो डाइट इज वेरी मैंडेटरी अगर आप चाहती हैं एंड आप बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं कि नहीं मुझे अपना ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है तो अपनी डाइट अच्छी देखें ऐसी प्रॉपर डाइट लें जिससे आपका वेट गेन भी ना हो और मिल्क भी सफिशिएंट हो लाइक आप जो है एटलीस्ट दो गिलास दूध डेली के टू एग्स डेली दो अंडे किसी भी फॉर्म में सही दो बार यानी एंड टू एप्पल्स डेली अगर आप ये कंज्यूम कर रही हैं तो आपका मिल्क सफिशिएंट हो जाएगा ठीक है टाइम लगेगा वन वीक लगेगा टू वीक्स लगेगा मिल्क सफिशिएंट हो जाएगा अपना फीड ना छोड़े अपना फीड साथ कराती है टॉप फीड के साथ क्योंकि अगर आपने बिल्कुल छोड़ दिया आपका बंद हो जाएगा ठीक है इसके अलावा जो है मुझे ये बताइएगा कि वो कहते हैं कि डाइट जैसे अगर ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो जो माँ डाइट ले रही है वो क्योंकि बच्चा दूध पी रहा है तो उससे कभी कभी होता है जो उसको सूट नहीं करता बच्चे को खाना वगैरह बहुत अच्छा कॉमन तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोग डेली कौन सी ऐसा कॉमन आप पूछ रहे हैं जी जो हमारे क्लिनिक के डेली के क्वेश्चन है माँ पूछती है कि फादर आए उनके साथ आई नन आई अब ये डॉक्टर साहब इसने ना पेप्सी पी थी अब ना बच्चे को देख बताए इसको प्रॉब्लम होगी ये पेप्सी नहीं पी सकती अच्छा ये ठंडे खाने नहीं खा सकती है वो ठंडे खाने पूछने होते हैं कौन कौन से होते हैं ये आइसक्रीम नहीं खा सकती है अच्छा पूछो भाई इससे क्या होगा ये ब्रेस्ट मिल्क में आएगा क्या नहीं डॉक्टर साहब ब्रेस्ट मिल्क में तो नहीं आएगा लेकिन हमने सुना है हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये इफेक्ट करे ऐसा कुछ भी नहीं These all are only norms. Myths हैं, false myths हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, अगर आप Pepsi कोई effect नहीं करेगा. अच्छा. ठीक है, breast milk में ये सारी चीजें नहीं आती. अच्छा, अगर ऐसा होता है जैसे fish या seafood ले लिया तो उससे जैसे बच्चा दूध पी रहा है तो उसको allergy होगी उसको. वो अलग चीज़ है. देखिए, अगर आपके family में allergy run करती है तो you should be very very conscious कि आपके बच्चे में कहीं वो allergies हैं. वो अलग चीज है उसमें आप फिर वो मना कर देते हैं कि प्रोटीन डाइट ना लें आप या ये स्पेसिफिक सी फूड्स ना लें आप उसमें मना कर देते हैं लेकिन ये जो नॉर्मल रूटीन वाली चीजें होती हैं लाइक आप दाल नहीं खा सकती तुम्हारे टांके पक जाएंगे तुम दूध नहीं पी सकती तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है अंडा नहीं खाओ गर्म होता है या ये कि पेप्सी नहीं पियो आइसक्रीम नहीं खाओ ये ठंडी चीजें होती हैं बच्चे को हार्म करेंगी बच्चे का सीना जम जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं हाँ उस सूरत में अगर आपको फ्लू हो रहा है या आपको कफिंग हो रही है आपने ठंडा पानी पिया है कफिंग हो गई पेप्सी पी ली कफिंग हो गई तो उस चीज से वायरस ट्रांसफॉर्म करेगा पेप्सी से नहीं करेगा सही ठीक है तो वो अब जो कफ कर रही होती है वो जो आपको फ्लू हो रहा होता है उसकी वजह से बेबी को वो चीज वायरस इन्फेक्ट करता है तो उसका बेहतरीन तरीका ये जब भी आपको हम बताते हैं माँ को अगर खांसी नजला है तो माँ से बगैर नहीं रह सकती ना बच्चे को अलग नहीं कर सकते माँ से तो आप बोलिए कि मास्क वेयर करें आप या लो कम्युनिटी में जो कि लो सोशल इकोनॉमिक से आती है मिडिल से अगर वो मास्क में वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं मास्क तो नहीं पहन सकती बच्चा डर जाएगा तो हम कहते हैं आप अपना दुपट्टा बांधिए फीड कराते हैं ठीक है बिकॉज यू आर अ मदर आप माँ हैं आपको बच्चे से प्यार है आपको याद नहीं रहेगा कि आप ये वायरस है आप कभी भी उसको किस करिए सही जाहिर है माँ है माँ का तो प्यार अनमोल है तो वो चीज जो है फिर कंटेजियस होती है उसको लगती है और फिर बाप के साथ आपके पीछे पड़ जाएंगी या आपने पेप्सी पी थी तो उससे ये हुआ है तो आपने आइसक्रीम खाई थी तो पेप्सी आइसक्रीम से जो भी कुछ नहीं इंफेक्शन ऐसा कुछ भी बच्चे को अफेक्ट नहीं होता है अच्छा एक और सवाल जो कि होता है कि वर्किंग मदर्स के लिए कि वो उनको जो है बहुत मुश्किल हो जाती है टॉप फीड और ब्रेस्ट फीड में जो है मैनेज करने में तो उनके लिए आप क्या टिप्स देंगी देखिए मैं वही बात बोलूंगी वर्किंग मदर को भी क्योंकि मैं भी एक वर्किंग मदर हूँ तो मैं ये कहूँगी कि ठीक है आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती हैं जाहिर है आपको सोशलाइज भी करना है अपने आप को साथ साथ जी तो आप ये करें कि अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है एक्सप्रेस करके उसको रख दें अब ये क्वेश्चन आता है कि हम कितनी देर रख सकते हैं ठीक है अभी क्योंकि मौसम अच्छा है तो आप रख सकती हैं उसको रूम टेम्परेचर पे फॉर 8 आवर्स ठीक है अगर आप फ्रिज में रख रही हैं तो फ्रिज में भी आप उसको 10 to 12 आवर्स रख सकती हैं अगर आप उसको फ्रीज कर लेती हैं तो आपने फ्रीजर में रख लेती है तो उसका टाइम ड्यूरेशन अलग तो ज्यादातर तो फ्रीज की नौबत नहीं आएगी आपको ये नौबत आएगी कि आप उसको 8 आवर्स के लिए या 12 आवर्स के उसको सेव कर लें तो आप सुबह जाएं
ब्रेस्ट पम्प यूज करें, इसको निकालें, एक्सप्रेस करें, उसको निकाल के आप जो है फ्रिज में रख लें, साफ सुथरी बॉटल के अंदर, बॉयल की हुई बॉटल के अंदर उसको रख दें। जब भी कंज्यूम करना उसमें से बता दें अपनी जो भी मेड है या जो भी आपकी टेक केयर कर रहा है बच्चे को, उसको कहें कि वो इस तरह से कंज्यूम करें। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, कभी सीरियस कंडीशन हो जाती है पोस्ट प्रेगनेंसी के, क्रैक्स आने लगते हैं, दर्द होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है बाई ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये काफ़ी शिकायत भी रहती है मदर्स की। और देखिए क्रैक निपल्स जो आप बात कर रही हैं, देयर आर सो मेनी कंडीशंस रिगार्डिंग जो ब्रेस्ट के इशूज हैं, ठीक है। ब्रेस्ट के इशूज में एक आ जाता है मैस्टाइटिस आ जाता है जी, एक आ जाते हैं क्रैक निपल्स आते हैं, एक आता है कि एब्सेस हो गया है, ब्रेस्ट एब्सेस हो गया है, तो देयर आर सो मेनी कंडीशंस। अच्छा हर किसी की अलग अलग मैनेजमेंट है, ये मैं आपको बता दूं कि ब्रेस्ट फीडिंग किसी में भी मना नहीं है। अच्छा आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और इनफैक्ट अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो वो जल्दी रिजॉल्व होगा, जल्दी रिजॉल्व होगा वो ब्रेस्ट जो आपका इशू है वो जल्दी रिजॉल्व होगा। बाज दफा ये होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लोकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो आपको कंप्लीटली मना करते हैं, नहीं 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 बच्चे को इस जगह से दूध पिलाना, ये बच्चे को इन्फेक्शन लगेगा, ये पस है, ये बच्चे के दूध के अंदर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको पसी डिस्चार्ज भी हो रहा है निपल से, तो आपको ये करना है पहले उसको एक्सप्रेस कर लें, वो सारा पस साफ करें, उसके बाद एक्सप्रेस करके देखें कि आ रहा है मिल्क क्लियर और गो अहेड। इवन टीबी में मना नहीं, ट्यूबरक्लोसिस में ब्रेस्ट फीडिंग मना नहीं है, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये तो कॉमन नॉर्मल प्रॉब्लम। अच्छा सही, ठीक है। अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगी तो और प्रॉब्लम आपकी एग्जैजरेट होगी और पेन आपका एग्जैजरेट होगा। अच्छा उस जगह से आपको लाजमी ब्रेस्ट फीड कराना है। प्लस ये कॉमन ये भी है कि एक तरफ से फीड करा देते हैं और नेक्स्ट टाइम दूसरी तरफ से फीड करा देते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों ब्रेस्ट से फीड कराना जरूरी है, 15 मिनट्स अपार्ट दोनों ब्रेस्ट से कराएंगे, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं क्रैक निपल्स पे, क्रैक निपल्स क्यों होते हैं, क्रैक निपल्स होते हैं जब आप पोजिशनिंग बच्चे की अच्छी नहीं रखती। अच्छा तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले या अपने डॉक्टर से मिले, वो आपको बताएगा वॉट इज प्रॉपर पोजिशन, वॉट आर द गुड साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट, वो आपको सारा बताएगा बेबी को किस तरह से करना है। यूजुअली उनमें आते हैं जिनका पहली दफ़ा माँ बनी हुई होती हैं, बड़ी बूढ़ियाँ नहीं होती हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ से 7-8 मंथ से ये देख रहे हैं कि अब ये हर मदर के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, इवन जिनका सेकेंड थर्ड चाइल्ड है उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोग पूछते हैं, अच्छा आप लोग गाइडेंस नहीं लेते, पीडियाट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं, आप उनको एड्रेस नहीं करते हैं, उनसे आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे होते हैं, तो आप क्वेश्चंस पूछें, वो आपको बताएंगे व्हाट आर द प्रॉपर अटैचमेंट, व्हाट इज द गुड साइन ऑफ गुड पोजीशनिंग, ये सारा आपको वो एक्सप्लेन करेगी आप। अच्छा ये जो ब्लीडिंग या पस वगैरह फॉर्म होता है इसकी क्या सबसे बड़ी वजह है, क्या डाइट है या कोई और ऐसा इशू हो जाता है? बिल्कुल सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल इशूज़ हैं। देखें अगर माँ अपना ख्याल नहीं रखेगी वो बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकती है, आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी करनी है। जब आप मदर एक दफ़ा मदर बन जाती है जी, उसके बाद का जो ड्यूरेशन होता है पोस्टमार्टम की बात हो रही है, उसमें मदर को अपना ख्याल रखना चाहिए, ना सिर्फ बच्चे का अपना भी, प्रॉपर डाइट लेना, एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि आप मिल्क कंज्यूम खुद भी करें और अपनी सफाई का भी ख्याल रखें। मैंने देखा है कि लोग पता नहीं कितने कितने दिन कहते हैं फॉल्स मिस के वो थ्रू के हमें भाई उन्होंने मना किया था, सास ने मना किया था, नन ने, अच्छा कि नहीं तुम्हें इतने दिन नहीं आना, ये नहीं करना, ये करना, अरे चलिए ठीक है आप उनको फॉलो करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि आप उनको अपोज नहीं कर पाते हैं, तो आप ठीक है आप नहीं करें, लेकिन एटलीस्ट अपनी सफाई का ख्याल रखें, उस जगह को प्रॉपर आप वॉश करें, डेली वॉश करें, और उसको जो है वॉश करने के बाद फिर फीडिंग कराएं, ताकि आपको किसी किस्म में इन्फेक्शन ना लगे। तो अच्छी हाइजीन और साफ सुथराई रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एक और सवाल आया है, अनम जिशान कहती हैं कि मैं कैसे चेक करूं कि मेरा मिल्क सप्लाई बच्चे के लिए काफ़ी है? मैंने इसका आंसर दे दिया, हमने पहले आप एक काम करें है, आप ये करें कि पहले तो बच्चे को नहीं पिलाएं अपना दूध ना, थोड़ी जिस टाइम पे आप पिलाना चाह रही हैं उससे पहले आप बैठें, आप उसको एक्सप्रेस करें मिल्क को, और आप उसका देखें कितना अमाउंट आ रहा है, वॉल्यूम किस तरह का है, प्रेशर देखें किस तरह का है, वॉल्यूम देखें किस तरह का है। अच्छा अगर आप उसको भी असेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सही है कि नहीं है, तो एक काम करें आप उसको पूरा दिन डायपर नहीं पहनाएं, 24 आवर्स डायपर फ्री रखें, एंड काउंट द यूरिन फ्रिक्वेंसी कि कितने बार वो यूरिन पास कर रहा है बच्चा, अगर वो 4 times पास कर रहा है दैट्स मीन योर मिल्क इज सफिशियंट फॉर हिम और हर। सही, आई होप अनम आपके सवाल का जवाब ने दे दिया है। मूविंग ऑन,
ये बताइएगा कि कभी कभी बच्चे को लैच करने में प्रॉब्लम होती है वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, तो इसकी क्या आप मुझे बताएं इसकी क्या टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, क्योंकि माएँ काफ़ी परेशान रहती हैं कि वो सही से लैच नहीं कर पा रहा, उसको फीड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगेन वही बात है कि पोलिक प्रॉब्लम जो है ना, एब्डोमिनल पोलिक, वो नॉर्मल प्रॉब्लम है, नेचुरल प्रॉब्लम है, वो हर बच्चे में होती है, किसी बच्चे में कम किसी बच्चे में ज़्यादा होती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फीडिंग प्रैक्टिस, आप किस तरह से फीड करा रही हैं, किस तरह से पोजिशन कर रही हैं, ये सारा इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये बात आ जाती है कि आ रही है, रेस्ट नहीं कर पा रही है, इस तरह से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें आप फोर्स नहीं करो, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स यू हैव टू लाइक आप अपने उसके शोल्डर से लगाएं अपने, उसको पीछे से थोड़ा सा वार्म मसाज देते रहें या अपने हाथ से मसाज देते रहें, ठीक है, उसने लिए नहीं लिए डिकार आप उसको लिटा दें, थिंग इज दैट कि आप उसको उल्टा लिटा दें, सीधा नहीं लिटाएं, उल्टा लिटा दें या कलवट से लिटा दें, वो निकालेगा ही ना दूध, सिर्फ फटा हुआ दूध निकलेगा, हम कंसर्न उस दूध से हैं जो कि वो निकाल रहा है, रिगर्ज कर रहा है, वो सीने में नहीं जाना चाहिए बस, ठीक है, वो बस अगर आपकी शीट पे आ रहा है या आपके कपड़ों में आ रहा है, दैट्स मोर देन इनफ, और दिस इज नॉर्मल प्रोसेस, अगर बच्चा दूध निकाल रहा है, कम निकाल रहा है, फटा हुआ निकाल रहा है, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस, इसके लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो सारा दूध ही निकाल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है कि हर दफा आप फीड कराती हैं, जितनी दफा जितना फीड कराती हैं उतना ही वो निकाल देता है, तो दैट्स अनदर इशू। सही। अच्छा, ब्रेस्ट फीड के बाद जो होता है कि हाजमे की कभी कभी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसकी क्या वजह होती है या ऐसा होता है? हाजमे की कभी भी नहीं होती प्रॉब्लम, अगर आप प्रॉपर उसको टाइमिंग के हिसाब से लेके चल रही हैं, प्रॉपर उसको वॉल्यूम दे रही हैं, क्वांटिटी दे रही हैं, तो कभी भी नहीं होगी। क्वांटिटी इज लाइक अगर आप टॉप फीड दे रही हैं तो एटलीस्ट हम ये मेथड ऑफ थंब बनाया हुआ हमने, ये कि 2 महीने का बच्चा है 2 ऑन्स 2 आर्ड, 3 मंथ्स का बच्चा है 3 ऑन्स 3 आर्ड, ठीक है। अच्छा, अब माएँ कहती हैं यार 2 मंथ्स तो बहुत कम है, मेरा बच्चा तो और मांगता है, तो हमें ये पूछना पड़ता है आप कैसे पता है कि मांगता है, मतलब वो सब करता रहता है लिप बिल्कुल बॉटल की, ठीक है, आप एक काम करें, आप 3 ऑन्स अगर आपका बच्चा ले लेता है, आप नेक्स्ट टाइम उसका 4 ऑन्स बनाएं और देखें कि वो पी रहा है कि नहीं पी रहा, अगर वो 4 ऑन्स कंज्यूम कर रहा है, गो अहेड 4 ऑन्स 3 आर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि आपको क्वांटिटी किस तरह से इंक्रीज करनी है, आपको किस तरह से पता चलेगा कि बच्चे को और फीड चाहिए, अगर वो नहीं लेता है 3 ऑन्स लेता है, नेक्स्ट टाइम अगर आप 4 ऑन्स बनाती हैं वो 3 ऑन्स ही कंज्यूम करता है, दैट्स मीन कि 3 ऑन्स से उसका पेट भर रहा है, आप उसको 4 ऑन्स ही बनाएं। अच्छा, दूसरा ये कि माँ ये करती हैं, उसने 4 ऑन्स बनाया पहली दफ़ा में माँ ने, उसने ले लिया 3.5 ऑन्स, अब वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगी, वो 3.5 ऑन्स बना लेगी। अच्छा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप जो स्कूप यूज कर रही हैं जो आपके मिल्क के अंदर आ रहा है, कोई भी मिल्क है, नैन है, ठीक है, मेजी है, व्हाट सोएवर जी, उसके अंदर आपने देखा है उस स्कूप के अंदर कोई भी हाफ का कोई साइन ही नहीं है, मतलब कोई डिमार्केशन ही नहीं है कि ये हाफ स्कूप है, अब वो हाफ आपके लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा, तो वो हाफ नहीं लेना है आपने, वो फुल स्पून ही लेना है, फुल स्कूप ही लेना है वो आपने, तो आपने हाफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 3.5 बना लिया, 2.5 बना लिया, ये मैंने हाफ बना लिया, पूरा 2 ऑन्स बनाए, 3 ऑन्स बनाए या 4 ऑन्स बनाए। अच्छा, एक और मुबीन अंसारी हैं, उनका भी आप अभी जो हम बात कर रहे थे उससे ही वही आई थिंक रिपीट हो रही है उनका सवाल भी, कि कहते हैं मेरे बेबी को कॉलिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मेरे बेबी मदर फीड पे भी है और टॉप फीड पे भी है, और उसे मेरे फीड बहुत वाइफ जो है बहुत मुश्किल से फीड करती है। लेकिन कॉलिक प्रॉब्लम मैंने फिर दोबारा ही बता दिया, बहुत कॉमन है ये, हर कोई बोलेगा, आपके क्लिनिक पे भी आते हैं तो सब यही क्वेश्चन कर रहे थे, कॉलिक है, ये एक वो ठीक है, कॉलिक प्रॉब्लम इज नेचुरल प्रॉब्लम, ये हर बच्चे में होगा, 4 मंथ्स तक एटलीस्ट होगा, 4-5 मंथ्स तक, ठीक है, पीक करता है 8 वीक से, यानी 1.5 महीने के बाद ये पीक कर रहा होता है, इसमें कमी की जा सकती है, इसको बिल्कुल कम्प्लीटली खत्म नहीं करा जा सकता है, कमी आप इसी तरीके से करेंगे, अगर बॉटल फीड करा रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि उसको प्रॉपर 90 डिग्री पे लेके बॉटल फीड कराएं, निप्पल पूरा फुल होना चाहिए मिल्क से, हाफली फिल्ड नहीं होना चाहिए, प्लस ये कि 10 मिनट तक अपने कंधे से लगाएं, नहीं हो रहा है उल्टा लिटा दें। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आपके पास आते हैं ना, यानी हमारे पास आते हैं, कंसल्टेंट के पास आते हैं, तो बहुत सारे हकीम से, जनरल फिजिशियन से होके आ चुके होते हैं, तो वो ऑलरेडी उनको कोलिक ड्रॉप्स एडवाइस कर चुके होते हैं कि हाँ भाई, अच्छा, आप कोई ड्रॉप ले लें, एंटी कोलिक है, ये है, इससे भी हेल्प हो जाती है, देखिए हेल्प तो हो जाती है, थिंग इज दैट कि अगर मैं भी यूजुअली डेली बेसिस पे पेनाडोल यूज करना शुरू कर दूँ तो एक वक्त आएगा वो पेनाडोल काम करना बंद कर देगी, ठीक है, बॉडी आपकी वो नहीं करे, अब मुझे वो डोज ज्यादा लेनी पड़ी या कोई और मेडिसिन लेनी पड़ी, तो
तो जब आप ले रहे होते हैं ना कोलिक ड्रॉप्स, वो बहुत इजी वे है कोलिक खत्म करने की. लेकिन ये बात याद रखें कि वो एक वक्त आएगा थ्री डेज फोर डेज, उसके बाद जो है वो काम करना बंद कर देगी. तो हमने उस उन चीज़ों को उस वक्त के लिए रखा हुआ है जब होम रेमेडीज जो है वो काम करना बंद कर देगी. अच्छा एक और है सॉरी नवीन मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, एक और मेथड है कि आप ये करेंगे फीड करने के बाद आप एक कोई भी कपड़ा रखें या एक छोटा टॉवल रखें, उसको आयरन करें, उसके बाद उसके बच्चे के पेट पे वार्म मसाज करना है, ठीक है. स्पेशली एट नाइट, नाइट में सबसे ज़्यादा कोलिक मसला होता है. लोग पागल होके आ रहे होते हैं कि मेरा बच्चा पूरी पूरी रात रोता है, डॉक्टर इसको कोई नींद की दवा दे दे, ठीक है. तो ख़ास तौर पे जो फादर होते हैं ना, क्योंकि उनको जाना होता है सुबह में ऑफिस या अपने काम पे, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है. तो आप रात में जो है ना उसके एक कपड़ा गर्म करें इस्त्री से, आयरन करके उसके पेट का मसाज करें, तो उससे भी उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा. अच्छा एक और सवाल है, वो कहती हैं अनम जीशान हैं दोबारा, वो कहती हैं हमारा खाना मतलब कॉलिक और मदर के खाने के बीच में कोई रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है. आपको अगर गैस है तो बच्चे को गैस नहीं हो जाएगी, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो जाएगी. यस, अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है मदर फीड पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे, बच्चा यूजुअली 3 से 4 दिन में स्टूल पास करता है, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है. दिस इज नॉट कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन इज When your baby is passing hard stool, यानी जब आपका बच्चा सख्त पॉटी कर रहा होता है वो कॉन्स्टिपेशन होता है. अगर वो 3 दिन के बाद नॉर्मल सॉफ्ट स्टूल आता है दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल. प्लस ये कि आपको अगर गैस हो रही है तो बच्चे को वो गैस दूध के थ्रू नहीं जाएगी. सही. हाँ, आपने ये करना है कि अगर वाकई में आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है और हार्ड स्टूल हो रहा है और बच्चा बहुत फोर्स कर रहा है, तो दो रीजन्स हो सकते हैं. एक तो ये कि अगर ये ब्रेस्ट फीडिंग पे है बच्चा, एक तो ये कि उसको कोलिक है, गैस हो रहा है, तो आप उसको जो है कोई वार्म मसाज करें इस तरह से रिलीफ करें. और दूसरा ये हो सकता है कि आपका इनटेक ऑफ वाटर लो है, आप इनटेक ऑफ वाटर अपना बढ़ाएं. सही. तो आप अच्छा करेंगे इनटेक ऑफ वाटर तो आपका डाइल्यूटेड मिल्क आएगा, ठीक है. वो बच्चे को फिर इफेक्ट करेगा, क्योंकि बच्चे को आप डायरेक्ट पानी नहीं दे सकते. अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो 6 मंथ से पहले आप पानी और कुछ ऊपर की चीज़ नहीं दे सकते. तो आप कुछ ज्यादा वाटर इनटेक करें तो बच्चे की कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होगी काफी हद तक. और अगर वो बॉटल फीड पे है तो, और अगर बॉटल फीड पे है तो बॉटल फीड वाले बच्चे को आप 4 मंथ्स पे पानी दे, ठीक है. तो आप 4 मंथ्स पे उसको पानी दें बॉटल फीड पे, तो आप ये देखें कि आप डाइल्यूशन प्रॉपर कर रही हैं कि नहीं. हो सकता है कि आप ओवर डाइल्यूटेड कर रही हो, मतलब ये कि आप पानी कम डाल रही हो, वाटर ज्यादा डाल. ऐसी माएँ भी होती हैं, एक नंबर पानी लिया है 1 ounce में आप डालें तो उसको क्यों भाई वो डॉक्टर मोटा होगा बच्चा. अच्छा नहीं है, किसी वजह से ये रेशियो बनाया गया, उस रेशियो को फॉलो करें. सही. अच्छा ये बात बताइएगा कि यूजुअली जब हम बॉटल फीड कर रहे होते हैं तो बहुत सी मार्केट में निपल्स वगैरह मौजूद हैं, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक शेप बच्चे को हेल्प करता है? यूजुअली आजकल मार्केट में आ रही है और शील ने भी इंट्रोड्यूस कराई वाइड नेक निपल्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, कोलिक को जो है रेजिस्ट करते हैं. प्लस ये कि मैं ये कहूँगी कि आजकल जाहिर हर पेरेंट जो है अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लास बॉटल ही यूज़ करें. तो आप जब प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो मेक श्योर कि वो BPA फ्री हो. BPA फ्री क्या है? BPA फ्री कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी साइंस नहीं है. ये केमिकल है जो कि प्लास्टिक में यूज़ होता है, इसको कहते हैं बिसफिनोल ए, ठीक है. ये केमिकल जो होता है ये हैज़ार्डियस होता है हेल्थ के लिए, ठीक है. तो आप जब बार बार बॉटल बॉइल कर रहे होते हैं ना, वो केमिकल बॉटल से रिलीज हो रहा होता है, ठीक है. तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप BPA फ्री बॉटल्स यूज़ करें अगर आप प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करें. प्लस ये कि आप एटलीस्ट 1 महीने के बाद बच्चे की बॉटल चेंज कर लिया करें. दूसरा ये कि निप्पल आप 2-3 वीक्स के अंदर अंदर चेंज कर लिया करें, क्योंकि बार बार स्टरलाइज करने से, बार बार बॉइल करने से उसमें प्लास्टिक से केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हैज़ार्डियस होते हैं. सही. थैंक यू सो मच डॉक्टर शफाक, आज आप आई, हमने बहुत अच्छा सेशन किया, बहुत इंटरेक्टिव था, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, वेरी इन्फॉर्मेशनल. थैंक यू सो मच. और हम इसी तरह लाइव सेशंस आगे भी करते रहेंगे, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.